भाई दोस्तों, मैं परमिंदरजीत सिंह ईगल मैटिश क्लब के वालों आप सब नूं महाशिवरात्रि दीआं शुभकामनावां दिंदा हां। सो दोस्तों, अज असीं गल कर रहे हां भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव दा रुतबा भगवान तो कई गुणा उत्ते है, क्योंकि भगवान शिव अपने आप विच बहुत कुछ ने। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव के अंडर है। चलो आप गल करते हैं श्री भगवान शिव जी की, जो निरंकार ने, आकार तो बाहर ने, जिन्हां दे स्वरूप नूं असीं जिन्ना हो सकीए उन्ना ही थोड़ा है उन्हां बारे, उन्हां दी महिमा करन बारे। सो भगवान शिव अपने आप दे रुद्र अवतार ने, जो देवा अते दैवता दे सांझे अवतार ने, जो निराकार ने। पूरा ब्रह्मांड ते ब्रह्मांड दी सब शक्तियां भगवान शिव दे उस्तत दे विच लगी हुई हैं, क्योंकि शिव रुद्र ने, शिव ब्रह्मांड ने, शिव महाशक्ति ने, तां ही तेनू महादेव कहा गया है। शिव नीलकंठ ने, क्योंकि इन्होंने समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत दे नाल विष निकलिया सीगा उस नूं ग्रहण किया सी, इस करके इन्हों नीलकंठ भी कहा जाता है। शिव के जो महिमा है, शिव के जो कथावां ने, शिव दियां जो शक्तियां ने, उन्हां दी महिमा बहुत ही विशाल है। शिव दे पुराणा दे विच जे आप गल करिए भगवान शिव की, तो शिव के 19 अवतारां का जिक्र आता है। बाकी जे असी होर धर्म ग्रंथां की गल करिए, होर शस्त्रां की गल करिए, अलग अलग शस्त्रां विच अलग अलग अवतारां का जिक्र आता है भगवान शिव दे। भगवान शिव एक महाशक्ति ने, जिन्हां दे अधीन पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। छोटे तो छोटे जीव ते रुद्र तो रुद्र जीव की जो पालना पोषणा है वह भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव दैवता दे भी उन्ने ही भगवान ने जिन्ने देवत्या दे ने। जिन्नी कृपा भगवान शिव की देवत्या उत्ते है, उन्नी ही दैवता उत्ते है। भगवान शिव नूं भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव बहुत भोले मन्ने जाते हैं शास्त्रों के मुताबिक। इन्हों की थोड़ी जी महिमा करन दे नाल ही ये खुश हो जाते हैं, यह बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हों की जेकर एक शिव दे लई भी इन्हों की आराधना पूरे तन दिल तो की जाए, तह दिल तो की जाए, तो भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु भावते हैं। भगवान शिव काम तो परे ने, भगवान शिव काल तो परे ने। भगवान शिव जिन्हें भी इस संसार दे विच माया है, वह माया तो परे ने, क्योंकि सब माया भगवान शिव के अधीन है। संसार दी सारियां शक्तियां भगवान शिव के अधीन ने। इत्थे धर्म की गल नहीं रह जाती, इत्थे किसी कर्म की गल नहीं रह जाती। भगवान शिव सब दे सांझे होण करके इन्हां दी महिमा की जा सकती है, इन्हां दे गुण गान किए जा सकते हैं। क्योंकि जो इन्हां बारे पढ़िया जा सुनिया जा विचारिया अज तक है, इन्हां दे कई शक्ति पीठ ने। धर्म शास्त्रां दे विच अलग अलग शक्ति पीठां दा जिक्र आता है कि भगवान शिव के 18 शक्ति पीठ दसे गए हैं, 19 अवतार दसे गए हैं। बाकी अलग अलग शास्त्रां दे विच अलग अलग तरह के शक्ति पीठ दसे गए हैं। कई शास्त्रां दे विच सारे टोटल जो शक्ति पीठ दसे गए, जिते देवियां दे शक्ति पीठ भी हैं, जो महाशक्तियां हुई हैं, उन्हें शक्ति पीठ मिला के 51 शक्ति पीठ दसे गए, 54 शक्ति पीठ दसे गए। अलग अलग शक्ति पीठों का जिक्र आता है। भगवान दे विचों, भगवान शिव दे विचों एटम तो लैके इस ब्रह्मांड का वड्डे तो वड्डा जो भी स्वरूप है वह निकलता है, क्योंकि भगवान शिव का कोई स्वरूप नहीं। असली चाहे भगवान शिव दियां तस्वीरां बना लिया, उन्होंने रूप दे दिते, पर भगवान शिव निराकार ने, उन्होंने कोई आकार नहीं, अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। सो भगवान शिव की महिमा जिनी की जाए थोड़ी है, वह महान ने, वह उत्तम ने, वह निराकार ने, वह नीलकंठ ने, वह भोलेनाथ ने, बहुत कुछ ने, जिन्हों का जिक्र असं जिन्हों का बयान असी
अपनी इस रसना दे राही इस जुबान दे राही नहीं कर सकते। जिन्ना भी भगवान शिव के गुणगान करिए थोड़े हैं। सो आज दे लई इन्ना ही। सब नूं फिर तो महाशिवरात्रि दियां बहुत बहुत मुबारक। सब रूपां उत्ते भगवान शिव की कृपा बनी रहे। निरंकार निरस रूप निरजोत एक अकाल पुरख की सब ते कृपा बनी रहे साढ़े नाल बने रहने लई धन्नवाद। अज दे लई इन्ना ही। मेहरबानी।